नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोग का आयुर्वेदिक बाबा में। मेरा नाम है सूरज कुमार गुप्ता जी। आज मैं आप लोगों को नेत्र रोग से संबंधित इलाजों के बारे में बताने वाला हूँ। तो जी हाँ, मैं आप लोगों को बता दूँ, ये इलाज प्राकृतिक एवं घरेलू तरीके पे अपनाई गई हुई है। तो जी हाँ, नेत्र रोग के मैं कुछ नाम बता दूँ, जैसे आँख के कालेपन, मोतियाबिंद एवं चश्मे से रोग संबंधित आंख से धुंधलापन दिखना इत्यादि। तो जी हाँ, मैं इन सभी रोगों के बारे में आप लोगों को घरेलू एवं प्राकृतिक इलाज बता देता हूँ। सबसे पहले सफेद प्याज का रस, अदरक का रस, नींबू का रस, सभी 10-10 ग्राम व शहद 50 ग्राम लेकर एवं छानकर व मिलाकर शीशी में भरकर फ्रिज में रख लें। ये दवा बिना फ्रिज के भी 1 से 2 महीने तक खराब नहीं होती। प्रातः शयन एक एक बूंद आंखों में डालने से चश्मा या काला सफेद मोतियाबिंद में लाभ होता है। सुबह उठते ही ठंडे पानी में अपने मुंह में भरकर छींटे मारने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। तो जी हाँ नमस्कार, आज के लिए आप लोग का आयुर्वेदिक बाबा में इतना ही स्वागत था। तो जी हाँ भाइयों, इस वीडियो को देखने के बाद लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, इसलिए मैं आप लोग को धन्यवाद दूंगा। जी हाँ नमस्कार।